आज पहला दिन है ट्रेड फेयर का। ये पूरा प्लान है ट्रेड फेयर का और आज फर्स्ट डे है 14th नवंबर 2022। चेकिंग कराई और अब हम पवेलियंस की ओर बढ़ रहे हैं। हॉल नंबर 12A है ये। राजस्थानी स्टॉल है, क्या चीज़ फेमस है आपकी? मेवा बाटी। कितने का मेवा बाटी? तिल पट्टी है वो। वॉल क्लॉक्स सारी सेलेबल है ना, सेल करेंगे। क्या प्राइस है इसका? डिफरेंट प्राइसेस है सभी चीज़, लाइक 3 roses 600, 799 roses, 799 1300, 1800, 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
शहबाज हुसैन जी का बहुत बड़ा स्टॉल है। हॉल नंबर 11, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, होम अप्लायंसेस, फुटवेयर एंड आईटी। तरह तरह के कराची हलवे, रंग बिरंगे। क्या हिसाब है ये? हलवा हलवा, केला हलवा, कराची हलवा। क्या प्राइस है? 600 पर केजी। हॉल नंबर 8 है यहाँ पे, उधर 7 है। की थीम है वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। उसके बाद का फेवरेट मकेन। आज क्योंकि पहला दिन है तो काफ़ी कम लोग दिखाई दे रहे हैं, जैसे जैसे दिन गुजरेंगे और भीड़ होगी यहाँ पे। 7 है। सरस की तरफ चलते हैं।
1500 बैठिंग नहीं। लास्ट सफर होता है आपके पास? लास्ट सफर नहीं। स्टेंसिल्स हैं ये सारे। ये सारा बांस का कहाँ का है? कहाँ का है ये बांस का? असम का। असम का। ये सारा वुड है ना? कौन सा वुड होता है? नीम का लकड़ी। नीम नीम नीम। कितने का? क्या प्राइस है इसका? 1500 का। आयरन है सारा। कहाँ का है ये? छत्तीसगढ़ का। कहाँ का है ये? कर्नाटका। सारा लेदर है? सारा लेदर है। ये कैसा कच्चा चमड़ा होता है? कैसा होता है? चमड़ा होता है सर। गोल्ड लेदर। इसका क्या एज रहती है सर? ये 550 का है। कितने कितने साल चलता है सर? 10 साल चलेगा। 10 साल? हाँ, पक्का चलेगा। वो वॉल हैंगिंग कितने का है सामने वो वाला? सारा चमड़ा है ये? सारा लेदर है? सारा लेदर। कितने का है ये वाला? 2200 का। 2200। सबसे महंगा कौन सा है आपके यहाँ? सबसे ज्यादा प्राइस किसका है, किस चीज का है? सर ये पक्का है। कितना? 7500 एक ईच। थैंक यू। तरह तरह के अचार। बीकानेर राजस्थान। बीकानेर राजस्थान से। पापड़ भुजिया में सारी वैरायटी है, आधी तो खुल गई, बाकी कल पूरी खुल जाएगी। मेरा फेवरेट है यहाँ पे कैर सांगड़ी अचार। 119 नंबर स्टोर। थैंक यू। टेंशन ले जाओ और 6 महीने तक खराब नहीं हो। चलिए अचार खाते हैं घर पे। जी 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 बिल्कुल। सारा क्वायर का ये भी।
ये क्वायर प्रोडक्शन का है इधर। ये प्लांटर्स हैं क्वायर के, इसमें पानी नहीं निकलता, नीचे नहीं गिरता। सारा हैंडमेड है। कलर कैसा है? नेचुरल कलर, एक्रेलिक कलर है। एक्रेलिक बीच का जूट है और बाकी वुड है। मार्बल डस्ट। मार्बल डस्ट कहाँ का है ये? कोलकाता। सारा बंगाली ज्वेलरी। अब ये सारा जूट का है ना? क्या प्राइस है वो जो जी जी बंगाल? आर्य जूट्स बिहार। तो ये डॉल कितने का है? 450। सारा जूट का है, ये सब मटेरियल जूट का बना है। सामने पवेलियन 5 है। तरह तरह के खाने पीने के स्टॉल्स, फूड कोर्ट है। पवेलियन नंबर 4 से एंट्री करेंगे। अफगान पवेलियन है। ये कौन सा है? शकरपारा। अच्छा अच्छा हमारे यहाँ भी होता है। ये कौन सा है? बादाम। आजकल कच्चा बादाम फेमस हो रहा है इंडिया में। पक्का, ये पक्का बादाम है। क्या नाम है आपका? हिदायत। हिदायत जी, कैसे खाते हैं? ऐसे टूट जाता है? आराम से टूट रहा है तो कच्चा ही लीजिए, खाइए खाइए।
थैंक यू। पीछे एप्पल भी दिखाई दे रहे हैं, उनको भी दिखाई दे रही है जी। एप्पल 1000 रुपए का भी है और 100 रुपए के भी है, तकरीबन 2 किलो के आसपास होगा और सॉलिड पीस बना हुआ है। और पीछे से जो उस साइड में हम देख रहे हैं लंबे लंबे जो वास हैं, ये किस हिसाब से है? ये 1.5 लाख रुपए के जोड़ा है, 2 लाख 10 हज़ार के जोड़े हैं, 90 हज़ार के जोड़ा है, सब सिंगल सिंगल पीस से बना हुआ है। एक पत्थर से, एक स्टोन से, एक फ्लावर वास, सारा ओनिक्स है ना। वो बताइए भैया, ये टोटल टोटाइज जो है सबसे उधर 100 रुपए का है, 100 रुपए से लेकर के मेरे पास 80 हज़ार तक का टोटाइज है। 80 हज़ार वाला कौन सा? अच्छा, बड़ा है ये वाला 6 हज़ार का। इसके इसमें क्या है सर, इसके अंदर कोई मशीन काम नहीं करता है, पूरा हाथ से घिसना पड़ता है, इसको चलता हुआ बनाते हैं। ये इसमें वक्त लगता है मजदूर को ज़्यादा बनाने में। तो ये छोटा वाला कितने का पड़ने वाला है? 1000 का। ओके, 1000 का। और इस तरह की इस साइड में आप देख रहे हैं तो काफ़ी सारे छोटी छोटी जी जी डक्स और एनिमल जो एलिफेंट रखे हुए, उनका क्या रेट होने वाला है? एलिफेंट 200 का भी है, 400 का भी है, 600 का भी है, 5000 का। इंडियन रेलवेज का स्टॉल है ये, न्यू इंडिया न्यू स्टेशन अयोध्या दिखाया है इसमें, अयोध्या का स्टेशन आई बिलीव। कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड इंडिया, वर्ल्डली आर्ट है ये। कहाँ से आए आप लोग? ये सारा कैसे बनता है? तो ये मिट्टी काली होती है क्या? पकाया जाता है। 50 रुपया पर पीस। पिगी बैंक है।
फिरोजाबाद ग्लास है ये। ये बस्तर के आदिवासी कला है। ये मेटल कौन सा है? पीतल है, ब्रास है ये। सारा आप ही लोग बनाते हैं? हाथ से बनाया हुआ। इसका प्राइस क्या है? 1100 बोलते हैं। 1200 डिस्काउंट करके कितना कर देते हैं? आज पहले दिन नहीं बताएंगे यार। कैसा बचता है ये? क्या बोलते हैं इसे? तुरी तुरी या बस्तरिया म्यूजिक। थैंक यू। उड़ीसा पत्ता चित्रा, क्या मटेरियल होता है भैया? ये सिल्क है, कैनवस, हैंडमेड कैनवस है, देखो नहीं टसर सिल्क है ये वाला। ये भी टसर है, ये टसर है। और पेंटिंग नेचुरल कलर से होता है इसका? ये जो ना पटित्र हैंडमेड का कपड़ा से होता है। ओके, उड़ीसा का है ये। आप लोग उड़ीसा ही से आए हैं? जी सर। टूनिशिया का स्टॉल है।
ये सारा क्या मटेरियल है? ये सिक्की ग्रास होती है सभी। कहाँ का? बिहार के मधुबनी जिला। अच्छा, मधुबनी में। हाँ। तो ये आप खुद ही बनाते हैं? हाँ। जैसे मधुबनी पेंटिंग होता है। हाँ। ये भी करता है। आप लोग वहीं से आए हैं सर? हाँ। ये सारे इयररिंग्स हैं? हाँ हाँ सब। सब उसी का ग्रास का? ये मतलब सेब पे खाली हुआ? जी जी। उसके बाद कान में पड़ेगा, नाक में पड़ेगा। ये तो घर से बना करके लाए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। इसको पूरा बनाएंगे अभी? हाँ, पूरा सिर से पैर तक बनेगा, गला वाला हाथ। चलिए बढ़िया बढ़िया, गुड। ये मधुबनी पेंटिंग है ना? क्या प्राइस है? 650। ये वाला। और ये चौड़ा वाला? 1250। आप ही लोग बनाते हैं? अब हम उत्तर प्रदेश अपने गृह राज्य में देखते हैं क्या है। ये आगरा का पत्थर का काम है। आगरा का है ना ये? मार्बल इनले वर्क है ये। ये लखनऊ की चिकनकारी हो रही है यहाँ पे। पीलीभीत की फेमस बांसुरी। सारे स्टोन्स हैं? Yes. कौन सा होता है ये? कौन सा? अलग अलग स्टोन है, क्वार्ट्ज से स्टोन है, अगेट स्टोन। सारा नेचुरली होता है? नेचुरल, सब नेचुरल। कितने कितने के पोस्टर्स? पोस्टर्स आपको कौन सा चाहिए वाला? ये कितने का? 180। सिंगल? यस। और पीस वैसे सेट ऑफ 4? सेट ऑफ 4 है। सेट ऑफ 4 चाहिए है? दिखाइए जरा। मिक्स में लेना चाहेंगे? मिक्स दिखा दो। रोज पास लॉगिन है, ठीक। कितने कितने का वो? 181। कैसे होगा?
इसी के साथ ट्रेड फेयर को अलविदा कहते हैं। ये सारा फूड कोर्ट है और हम राजस्थानी थाली खाएंगे इनसे भैया से। इसमें क्या क्या बता रहे हैं आप? दाल बाटी चूरमा है, दाल बाटी चूरमा है, गट्टे की सब्जी। चलिए बढ़िया। ठीक, थैंक यू। चलिए एंजॉय करते हैं इसको। इसी के साथ आज हमारी चहलकदमी समाप्त होती है। फिर मिलेंगे कहीं और किसी और जगह पे चहलकदमी करते हुए।